गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देवांगी मांगी पूना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वेदांत। लास्ट लेक्चर मध्ये काय झालं तर आपलं काय लिहिलंय आपण लास्ट लेक्चर मध्ये रेप्टायलिया रेप्टायलिया बद्दल काय लिहिलं होतं लास्ट पॉइंट ब्रेन इज वेल डेव्हलप्ड टिम्पॅनम इज प्रेझेंट लिहिलं होतं हार्ट इज हॅज द टू कम्प्लीट ऑरॅकल यस सर कम्युनिटी पार्टिशन ब्रेन इज वेल डेव्हलप्ड नेक्स्ट लाइन बोल लिया राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन ओल्फैक्टरी लोब्स आर फॉर द स्मेल स्मेल सेंटर ऑफ ब्रेन इज द ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेबेलम are better developed. Olfactory loop means the smell center and the cerebellum are well developed. Well developed than amphibians. ब्रेन चे पार्ट येतो ओल्फॅक्टरी लोब विच इज अ स्मेल सेंटर म्हणजे जो स्मेल असतो त्याला रिसीव्ह करणारा सेंटर ओल्फॅक्टरी लोब आणि सेरेबेलम आर बार बेटर डेव्हलप दॅन ओल्फॅक्टरी लोब्स अँड सेरेबेलम आर बेटर डेव्हलप दॅन एम्फिबियन्स नेक्स्ट लाईन बोलूया
सेक्सेस रेप्टिलियाचा चालू आहे ना रेप्टायलिया चालू आहे बाळा बरोबर आहे सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस आर सेपरेट सेक्शुअल डायमॉर्फिझम सेक्शुअल सेक्सेस सेपरेट असतात सेक्शुअल डायमॉर्फिझम दिसत सेक्शुअल डायमॉर्फिझम मीन्स मेल फिमेल पेक्षा वेगळे दिसतात मेल आणि फिमेल वेगवेगळे दिसतात त्याला म्हणायचं सेक्शुअल डायमॉर्फिझम सेक्सेस आर सेपरेट सेक्शुअल डायमॉर्फिझम इज ऑब्झर्व्ड ठीक आहे पुढच्या लाईनवर लिहा फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन इज इंटरनल फर्टिलायझेशन इज इंटरनल फर्टिलायझेशन इज इंटरनल These are oviparous. These are oviparous. Exception आहे याला except the viper. ऋषी तुम्हाला दाखवलं तुम्ही viper हा एक snake आहे. This viper is viviparous. Except viper. Viper is viviparous. Next line liya. These show parental care. These show parental care. Yes, Yash, काय बोलायचं तुला? Yash, काय विचारायचं? नाही सर ते बाय मिस्टेकले झालं. ओके ठीक आहे चलो जाकिया सर रॅटल स्नेक चा काय असत म्हणजे रॅटल स्नेक जो होता आहे सांगतो तुम्हाला रॅटल स्नेक जो त्याच्या मागे शेपूट जे असते ना त्याची त्याच्या शेपटीला असं आवाज करणारं स्ट्रक्चर असत जे साऊंड क्रिएट करतो म्हणून त्याला रॅटल असं काय असत ते जे साऊंड क्रिएट करत तर रॅटल स्नेकच्या एंडला एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला आधी स्ट्रक्चर दाखवतो मग लिहूयात आपण आधी लिहून घ्या बरं तुम्ही सर्वांनी डन सर डन देखो अभी तक क्या क्या लिखा है हाँ अभी तक क्या क्या लिखा है देखो ओल्फैक्टरी लोब्स आर द स्मेल रिसीविंग सेंटर ऑन द ब्रेन राइट दीज आर वेल डेवलप सो स्मेल रिसीविंग सेंटर ऑन द ब्रेन दैट इज द ओल्फैक्टरी लोब्स आर वेल डेवलप Cerebellum is also better developed in these animals as compared to the amphibians. ठीक है? Sexes इनमें separate होते हैं. Male और female अलग-अलग दिखाई देते हैं. यानी identification easy है male और female का. इसे sexual dimorphism, dimorphism बोलते हैं. Fertilization in animals होता है. ये animals oviparous होते हैं. Oviparous होते हैं except the viper. Viper is a viviparous. ये animals parental care दिखाते हैं. ठीक है? ये उनका फीचर है ये देखो ये है रॅटल स्नेक हा रॅटल स्नेक ते दिसत का तुम्हाला एंडला सर आणि इथे स्केल्स असतात का बॉडीवर सापाच्या स्केल असतात ना एपिडर्मिसने बनलेले नाही सर तिथं त्याच्या टेलला म्हणजे एंड एंडला हा ते पण एपिडर्मल स्केल आहे तर ड्राय असत केराटिनने बनलेले केराटिन म्हणजे स्किन सारखे स्ट्रक्चर आहे म्हणजे एपिडर्मिसने बनलेले स्ट्रक्चर सर ते साऊंड कसं करणार सांगतो नाही पण हा जो स्ट्रक्चर है ना
हा स्ट्रक्चर जर मूव झाला तर तो आवाज करतो, कारण हा ड्राईड स्ट्रक्चर आहे. इमेज मिळाली तर व्हिडिओ मिळाला तर बघू देतो. त्याच्या आत काय प्रेझेंट असतं का? रॅट नाही, आतमध्ये प्रेझेंट असतं ते रॅटल आहे. हे व्हिडिओ मधून कळेल तुम्हाला. एक मिनिट, रॅटल असतं त्याच्यात. रॅट बद्दल म्हणजे आपण ते घुंगरू वाजवत नाही का रे, खडखड खडखड खडखड, तसं त्याचा आवाज करतो ते, म्हणजे ते रॅटल आहे एक प्रकारचं. ते बाई असा आवाज करतो. त्याच जर आतमध्ये बघितलं तुम्ही तर कसं दिसेल तुम्हाला? सर एक मिनिट बोलो रे. सर साउंड नहीं है. आपको साउंड नहीं आ रहा है उसका? हो सर. बर मी सांगतो तुम्हाला. बर आता बघितलं का तुम्ही ते स्ट्रक्चर फक्त त्यांनी दाखवलेलं? एक मिनिट बघा, मी तुम्हाला पूर्ण मागे घेऊन दाखवतो. तर माझा आवाज येतोय का मला सांगा? माझा आवाज येतोय तुम्हाला? ठीक आहे. आता बघा, आता हे जे रॅटल स्नेकचा जो मागचा भाग आहे, मी सांगितलं हा जो आहे केराटीनने बनलेला आहे. लास्ट पार्ट हा जो आहे ना केराटीनने बनलेला आहे. केराटीन म्हणजे स्किन सारख्या स्ट्रक्चरने बनला, पण ड्राय झालेली स्किन. आधी सांगितलं की स्किन ड्राय झालेली असते. तर ही जी ड्राय झालेली स्किन आहे ना, याची ड्राय झालेली स्किन, तर जर आपण याला कट केलं असं त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सारे असे पार्ट दिसतील. एक दाखवलं त्यांनी ते करून इथे या वेळेमध्ये बघ पुढच्या. आता हा दिसतो तुम्हाला, हे दिसलं? हे बघा कसं आहे, याला कट केलं. त्याच्यामध्ये कट केल्यानंतर बघा त्याच्यामध्ये कसे रिंग मध्ये रिंग दिसतात. दिसतात का रिंग मध्ये? आता हे ज्यावेळेस रिंग एकमेकांवर आदळतात, या रिंगच्या रिंग ज्यावेळेस तो हलवतो त्याला, त्यावेळेस रिंगच्या रिंग आदळतात आणि मग त्यांचा साऊंड येतो. सर ते काय व्हायब्रेशन वगैरे क्रिएट होतात का? हा, मग ते हलवल्यानंतर एकावर एक ते आदळतात. हे पहा, याच्यामध्ये व्हायब्रेशन क्रिएट होतो आणि व्हायब्रेशन क्रिएट झाल्यामुळे आवाज येतो. अच्छा, रिंग मध्ये रिंग असल्यामुळे बघ, हे ज्यावेळेस मूव्ह करेल ना तू, त्यावेळेस या टेलच्या मसल ज्या असतील त्याला मूव्ह करतील. या टेलच्या या इथल्या मसल ज्या असतात, या मसल याला हलवतात जोर जोरात आणि मग हे जे आहे याच्यामध्ये साऊंड क्रिएट होतो. एकावर एक एकावर एक आदळतात आणि साऊंड क्रिएट होतो त्याच्यात. सो दिस इज अ मेकॅनिझम. हा बोल सर. हे त्यांचं सेन्सरी ऑर्गन आहे? सेन्सरी नाहीये, सेन्स नाही करत तो. तो फक्त त्याला जर असं काही हे वाटलं की प्रिडेटर आलेला आहे किंवा कोणी आहे आजूबाजूला, त्यावेळेस ते त्याचा आवाज करतात आणि त्या समोरच्या म्हणजे प्रिडेटरला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतात. दॅट इज अ डिफेन्सिव्ह स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन दॅट. डिफेन्सिव्ह स्ट्रक्चर आहे. व्हिडिओला साऊंड आहे पण तो व्हिडिओ जो व्हिडिओ रॅटल स्नेक चावल्यावर पॉइजनस असतं बाईट केल्यावर. हे स्ट्रक्चर नाही आहे पॉइजनस, बाईट त्याचं पॉइजनस आहे. बाईट पॉइजनस, हे स्ट्रक्चर नाही आहे पॉइजनस. हे जस्ट हे एक स्ट्रक्चर आहे की जे स्ट्रक्चर त्यांना डिफेन्स मध्ये युज करतात. डिफेन्स मध्ये फक्त दुसऱ्या अॅनिमलला आवे लांब ठेवण्यासाठी ते एक स्ट्रक्चर आहे. राईट, सो देखो ये लिखा आपने सब लिहिलं का सर्वांनी? येस सर. येस सर. येस. फर्टिलायझेशन इज इंटरनल, दीज आर ओव्हिपेरस ऍनिमल एक्सेप्ट द वायपर. वायपर इज द विव्हिपेरस. दीज ऍनिमल्स ऑल्सो शो द पॅरेंटल केअर. राईट, पॅरेंटल केअर भी दिखाते.
So reptilia are the first two terrestrial vertebrates. पॅरेंटल केअर म्हणजे जसं आता आपण काळजी घेतो मुलांची तशी काळजी घेतात ते पॅरेंटल केअर. अच्छा अच्छा होते. हा म्हणजे काही जे अॅनिमल असतात सपोज आता ऑर्थोपॉड, ऑर्थोपॉड मध्ये तुम्हाला पॅरेंटल केअर नाही दिसणार. ऑर्थोपॉड मध्ये ते जन्म देतात आणि निघून जातात पॅरेंट. तर मग काही आता सपोज यांच्यामध्ये हे जे असतात रेप्टाइल्स यांच्यामध्ये पॅरेंटल केअर दिसते. ओके सो फर्टिलायझेशन इनमें इंटरनल होता है. लोकोमोशन अकर बाय द लिम्स. लिम्स जो होते हैं इनमें पेंटाडेक्टाइल हो सकते हैं, डिजिट पे क्लॉज हो सकते हैं. जो एनिमल्स होते हैं दीज कैन बी एबल टू वॉक और बाय द क्रीपिंग और क्रॉलिंग से वॉक करते हैं. स्नेक्स जो होते हैं ये लिम्बलेस होते हैं, स्नेक्स क्रॉल ऑन देयर बेली. रेप्टाइल्स जो होते हैं ये पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, स्किन उनकी ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है, कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन. स्किन इज कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन. लिजार्ड एंड स्नेक शेयर देयर स्किन पीरियडिकली. टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होता है. हार्ट इनका दो कंप्लीट ऑराइकल से बना होता है. वेंट्रिकल जो होता है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन इनमें होता है. तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इनका हार्ट जो होता है ऐसे होता है. सपोज ऐसा ये दो होंगे ऑराइकल और ये एक होगा वेंट्रिकल. वेंट्रिकल में एक ऐसा पार्टीशन होता है, दिस पार्टीशन इज नॉट कम्प्लीट, सो इनकम्प्लीट पार्टीशन इसमें होता है. तो ऐसे हम बोल सकते हैं हार्ट इज इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड. इनमें हार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हो सकता है. हार्ट इज नॉट परफेक्टली फोर चेम्बर्ड एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल में जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड होता है. चलो सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेप्टाइल्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट. सर हाँ बोलो. ऑल्फैक्टरी मतलब मैं लेट जॉइन हुई थी. ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल. ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल. स्मेल या स्मेल से रिलेटेड. देखो जो नोज होता है ना, नोज नोज में ओल्फैक्टरी इपिथेलियम होता है. ओल्फैक्टरी इपिथेलियम यानी ओल्फैक्टरी इपिथेलियल सेल्स होते हैं नोज में. इस ये क्या करते हैं सेल्स, जो जो सपोज एयर है उस एयर में जो कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस होगी, एरोमेटिक या फिर ओडर क्रिएट करने वाले. एरोमेटिक यानी अच्छे स्मेल क्रिएट करने वाले, एरोमा क्रिएट करने वाले. और दूसरे होते हैं ओडर क्रिएट करने वाले सबसे. जो एयर में होंगे ना इनके जो केमिकल्स होंगे, इन केमिकल्स को ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं ना वो रिसीव करते हैं. इन केमिकल्स को रिसीव करते, इनको रिसीव करने के बाद इनके न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ये न्यूरॉन ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं किसके पास, ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब होता है. ब्रेन के पास ओल्फैक्टरी होता है लोब यानी ओल्फैक्टरी सेंटर होता है. ओल्फैक्टरी सेंटर यानी स्मेल रिसीव करने वाला सेंटर ब्रेन में होता है. ये ब्रेन का जो ओल्फैक्टरी लोब होता है, ओल्फैक्टरी सेंटर होता है ना ब्रेन का, इस पर ये इंफॉर्मेशन पास होती है थ्रू द न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन इसके पास पास होगी एंड देन ब्रेन रिसीव्स दिस एंड प्रोसेस इट. फिर हमें एक्चुअल में वो स्मेल का सेंसेशन होता है. Right, so this is the way. The nose के पास तो only olfactory epithelium होगी. ये information जब brain के center के पास जाएगी तो इसे बोला जाता है olfactory lobe. तो हमने यहाँ पे अभी लिखा था कि olfactory lobe is well developed, okay, and cerebellum is also well developed as compared to the amphibian. Amphibian से अच्छा smell reptile को आ सकता है. So reptiles can receive the smell faster and clearer than the amphibians. इसका ये मतलब हुआ है. Have you got this? Yes, sir. Yes. चलो अभी next जो हाँ बोलो. The tympanum is present or absent? Tympanum is present in these animals. Tympanum होता है ना? Reptile में tympanum होता है. Tympanum is present. टिम्पैनम इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स. अगर आपको देखना है सर स्नेक्स मध्ये पण असतो ना, स्नेक्स ला साउंड येत नाही क्लिअरली पण त्यांचा टिम्पैनम हा पूर्ण डेव्हलप नसतो. स्नेक में टिम्पैनम पूरी तरह से डेव्हलप नाही होता. लेकिन बाकी के रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें होता है टिम्पैनम. ये देखो दिख रहा है क्या? Yes, it is tympanum.
देखो सरपंच स्नेक्स लाइक कोई इतना है का टेंशन टिम्पनम हाँ स्नेक्स लाइक कोई इतने का रस स्नेक्स मधे टिम्पनम हे जास्त जास्त डेवलप मस्त जो खूब जास्त साउंड देते हैं सर टेंशन ते प्रेडेटर्स आले तर कैसा करती जे वाइब्रेशन्स रिसीव करतात ना त्यांच्या बॉडीचे सेल्स स्किन जे असते ते वायब्रेशन रिसीव करू शकतात त्याच्यामुळे ते खूप ऍक्टिव्ह असतात लगेच कळतो त्यांना अल्ट्रासॉनिक कसं येस हा येस साऊंड रिसीव करू म्हणजे कोणता साऊंड जो व्हायब्रेशन असतात ना बॉडीमध्ये म्हणजे जमिनीमधले जे व्हायब्रेशन असतात ते इझिली डिटेक्ट होतात त्यांना थोडी जरी हालचाल झाली व्हायब्रेशन झाले तरी त्यांना डिटेक्ट होतात चलो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट है एव्स एव्स को बोला जाता है बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स है उसमें जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल पहले देखेंगे एक है CULUMBA कोलंबा इसे बोला जाता है पीजन तो पहले देख लो ये एव्स कैसे होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यह पीजन कोलंबा ठीक है इसे बोला जाता है कोलंबा जीनस सनाव कोलंबा है पीजन देन सिटैक्यूला सिटैक्यूला इज द पैरट देखो ये पैरट है सिटैक्यूला और ये जो बर्ड्स है ये फ्लाइट कर सकते हैं कुछ बर्ड ऐसे जो जो फ्लाइट नहीं कर सकते उड़न नहीं जा सकते लाइक ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच को बोला जाता है स्ट्रिथियो 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 ये ऑस्ट्रिच दीज आर कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड्स स्ट्रिथियो दैट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड्स ठीक है इसके साथ में कीवी देखो ये कीवी है ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और इसके साथ में देखो एप्टूनोडाइट्स ये पेंगुइन है स्नेक्स ला इयर नसतात ना जब चालत ये देखो एप्टिनोडाइट्स ये है पेंगुइन ये भी फ्लाइटलेस है दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन बर्ड्स बर्ड्स दीज आर एडेप्टेड टू लिव ऑन द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन एंटार्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में ये अडेप्ट हुए रहने के Aptenodoids, these are also flightless birds. They are not thorns. Thorns nahi hote. Thorns are kaise dikhte, but they are not thorns. And काय बोलतात सर त्यांना? ते हेअर आहे बॉडी वर से. फेदर पण मग सर ते डिफेन्स साठी असते ना पण डिफेन्स साठी नसतं ते स्ट्रक्चर म्हणजे ऍक्च्युअली ते प्रोटेक्शन होऊ शकतं त्यांचं त्यांनी पण त्याने काय खूप जास्त डिफेन्स होणार आहे असं काय ओके हे काय तुला वाटतंय तसं पण ते तसं नाही साधे फेदर हे काय डिफेन्सिव्ह स्ट्रक्चर नाही साधे फेदर
देन क्रो इज वल्चर, वल्चर को म्हणायचं नियोप्रॉन, त्या दिवशी आपण नाव घेतलं होतं त्याचं नियोप्रॉन, नियोप्रॉन इज अ वल्चर, गिधाड. सर यांची साईज खूप मोठी असते ना? हा मोठी असते साईज, खूप मोठी असते साईज वल्चर. आणि येतो पॅसर म्हणजे स्पॅरो, इंडियन स्पॅरो. ठीक है, सो ऑल दीज आर द बर्ड्स, इसरो बर्ड्स. फर्स्ट राइट द एग्जांपल्स. कोलंबा इज द पिजन, सिटैक्यूला इज द पैरट, सिटैक्यूला इज द पैरट, पैरट. फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स. बरे पहला गया स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो मध्ये क्या ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच. पुढचा गया किवी, पुढचा गया एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स. किवीला म्हणा ऍप्टेरिक्स, किवीचं नाव टाका ऍप्टेरिक्स, ऍप्टेनोडाइट्स इज द पेंग्विन, पेंग्विन. कॉर्वस इज द क्रो, corvus is the crow. Neophron is the vulture. Passer is the sparrow. Done, sir. Chalo, write first characteristic. Four limbs are modified into wings.
four limbs are modified into wings in the birds. Four limbs are modified into wings. Hind limbs are used for walking. Hind limbs are used for walking. Walking or clasping tree branches. वॉकिंग के लिए या फिर ट्री ब्रांच पर बैठने के लिए क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस. क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस एंड फॉर रनिंग. हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग. Clasping tree branches and running. Next line pe likho. Aquatic birds like duck have waves in between their legs. Likho. Aquatic birds like duck have the waves between their legs, or you can say toes. Likho yahan pe toes. TOES toes. अब देखेंगे टोज में किस डक. ये डक ठीक है. एपोप्टोसिस यहां पे नहीं हुआ है श्रेया. या इतने वेब वेब आता था जब वेब्स या वेब्स होते हैं टोज में. Duck toes. हे आपले टोज आहेत ठीक आहे. आपल्या टोज मध्ये जर वेबिंग झालेला असेल त्याला डक टोज असं म्हणतात ठीक आहे. ये देखो ये वाले डक में देखो कैसे होते. डक बर्ड डक में ऐसे वेब्ड टोज होते. क्यों? दिस इज फॉर स्विमिंग. This adaptation is for swimming. पानी में स्विम करने के लिए ऐसे टोल ठीक है. Next slide. Aquatic birds like ducks have webs in between their toes. Next slide पे लिखो. Body is streamlined. स्ट्रीमलाइन का मतलब कैसे होता है. बॉडी इज बोट शेप. सब बर्ड्स ऑल बर्ड्स हैव द बॉडी विच इज बोट शेप. देखो ऐसे दिस इज अ बोट शेप बॉडी राइट. ऑल बर्ड्स हैव द बोट शेप बॉडी. बॉडी इज स्ट्रीमलाइन और बोट शेप टू रिड्यूस resistance during flight. Body is streamlined to reduce the resistance during the flight. Next slide please. These are homeotherms. यानी warm blooded.
These are homeotherms. याद है कैसे होते हैं ये एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड. यस दैट इज दीज कैन रेगुलेट these can regulate their body temperature these can regulate their body temperature tell regulate their body temperature bracket mein likho constant constantly regulate karte hain yani body temperature constant hota hai. करेगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वैसा ही किया? नहीं नहीं वैसा नहीं वो उनमें होता है कि इनमें पॉइकिलोथर्म्स में लेकिन वी आर होमियोथर्म्स हम भी कैसे होमियोथर्म्स है तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो हमें क्या होता है गर्मी ज्यादा होती है तो हमारे बॉडी पर स्वेट निकलता है ना हाँ. तो वैसे हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे अगर ठंडी ठंड ज्यादा है तो हमारे बॉडी को फूड ज्यादा लगता है और हम क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं हीट जनरेट करते हैं ना बॉडी में हीट जनरेट होती है ना बॉडी में क्यों जनरेट होती है हीट अगर ठंड ज्यादा है तो हमारी बॉडी हीट जनरेट करेगी फूड को ब्रेक करके उसके हीट जनरेट करेगी और टेम्परेचर रेगुलेट करेगी और हमारी बॉडी कितना टेम्परेचर रखेगी 37 तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसे रहता है कॉन्स्टेंट रहता है बाहर टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला तो क्या हमें क्या बोला जाता है वार्म ब्लडेड वार्म ब्लड ऐसे ही बर्ड्स भी कैसे वार्म ब्लड तो देखो अब तक हमने क्या लिखा है फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग clasping the tree branches and for the running. Aquatic birds like ducks have the webs in between their toes. Body इनकी सब birds की streamlined होती है to reduce the resistance during the flight. These animals are the homeotherms, that is the warm-blooded, and can regulate their body temperature. Body temperature constant रख सकते हैं. ठीक है? Done. Done? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो next is body is differentiated. Body is differentiated. Into head, comma, neck, trunk, and tail. Head, neck, trunk, and tail. Body पर head दिखाई देगा, tail होगी, neck होगा, trunk होगा. ठीक है, हेड नेक ट्रंक और टेल ऐसे रीजन बॉडी पे दिखेंगे लिखो आगे की लाइन पे स्किन इज ड्राई स्किन इनकी ड्राई होती है ड्राई थी नॉन ग्लैंड्यूलर Skin is dry, thin, non-glandular, except oil gland present at the base of the tail
लिखो, स्किन इनकी कैसी होती है, ड्राई होती है, थीन होती है, ग्लैंड्स नहीं होते स्किन पर ज्यादा, तो स्किन कैसी होगी, नॉन ग्लैंडुलर होगी, लेकिन एक ही ग्लैंड दिखाई देती है, वो कौन सी है, ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड कहाँ पर होती है, एट द बेस ऑफ द टेल करके, इस ग्लैंड को विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल इज कॉल्ड एज यूरो, यूरो मींस टेल, पाइजियल, पाइजियल का मतलब होता है बेस, टेल के बेस पे, बेस ऑफ द टेल, यूरोपाइजियल ग्लैंड, ऐसा ऐसे बोले। स्किन इज ड्राई, थीन, नॉन ग्लैंडुलर, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, इस ग्लैंड को बोला जाता है यूरोपाइजियल ग्लैंड। अगर ये देखो, ये उसका टेल है, टेल पर ऐसी यहां पर एक ग्लैंड, इस लोकेशन पर एक ग्लैंड दिखाई देती है, इसे बोला जाता है ऑयल ग्लैंड। इस ऑयल ग्लैंड से ऑयली सिक्रीशन, सीबम जैसा सिक्रीशन रिलीज होता है जो फेदर को ड्राई रखता है, दिस इज ऑयल ग्लैंड, फेदर को ड्राई, फेदर को ऑयली रखता है, इसकी वजह से वाटर उस फेदर पर एक्युमुलेट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज अ ऑयल ग्लैंड, ये उनके यहां पर प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द टेल, जहां से टेल स्टार्ट होती है ना वहां पर ये प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ द टेल मींस जहां से टेल स्टार्ट होती है वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ऑयल ग्लैंड, सो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, देखो ये लोकेशन समझ में आया आपको कहां पर है, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, जहां से टेल स्टार्ट होती है इस रीजन में, राइट, सो ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन दिस एनिमल, these are europygial glands, so skin is dry, thin, non glandular except the oil gland, oil glands are present at the base of the tail, next line pe likho, bones are hollow, hollow, hollow bones ko bola jata hai pneumatic, न्यूमैटिक, बोन्स आर हॉलो, हॉलो बोन्स को बोला जाता है न्यूमैटिक, न्यूमैटिक विथ एयर कैविटीज, विथ एयर कैविटीज, एयर कैविटी भी होती है बोन में, बोनों बोन्स जो होते हैं इनके हॉलो होते हैं यानी न्यूमैटिक होते हैं, और उसमें स्पेस होती है, उस स्पेस में एयर होती है, इसकी वजह से बॉडी का वेट कम हो जाता है, टू रिड्यूस बॉडी वेट, टू रिड्यूस बॉडी वेट, बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए बोन कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, यानी कैसे होते हैं, न्यूमैटिक होते हैं, सो बोन्स आर, बोन्स ऑफ बर्ड्स, ये ऐसे एयर पॉकेट होते हैं बोन्स पे बर्ड के, ये ह्यूमन का बोन है, ठीक है, ह्यूमन का बोन ऐसे या फिर मैमल का बोन जो होगा ये अंदर से भरा हुआ होता है ना, वैसे इनका नहीं होता, इनमें देखो एयर पैकेट होते हैं, ये जो लार्ज एयर पॉकेट होते हैं इसमें एयर होती है, इसके वजह से बर्ड जो होते हैं उनके बोन्स न्यूमैटिक यानी हल्के होते, अंदर से हॉलो होते, सो बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई, because बर्ड ब्लड के अंदर ब्लड नहीं रहता है, बर्ड्स के बोन के अंदर ब्लड नहीं रहता है, रहता है ना, रहता है लेकिन बीच बीच में रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता,
यहाँ उनके जैसे हमारे पास यहाँ पे बोन मैरो है ना, वैसे बर्ड्स के पास भी बोन मैरो होता है. बर्ड्स ऑल्सो हैव बोन मैरो. ये जो बोन मैरो वर्ड है ना, ये वर्ड बर्ड से ही निकला है. बर्सा ऑफ फैब्रिसियस इस वर्ड से निकला है. तो इनके पास भी जो होता ना, इसमें एयर पैकेट भी होते हैं, इसके साथ में बीच बीच में जो कुछ जगह होते हैं वहां पे उनके बर्ड के वहां पे बोन सेल्स बनते हैं, आरबीसी बनते हैं वहां पे. लेकिन ज्यादातर बोन जो है, ज्यादातर पार्ट जो है बोन का, वो कैसा है? दैट इज हॉलो. मेजर पार्ट देखो, ये वाला, ये जो मेजर पार्ट होता है इनका, ये हॉलो होता है. और ये वाला एंड जो पार्ट होते हैं ना, इनमें एंड एंड वाले पार्ट में उनके आरबीसी फॉर्मेशन होता है बर्ड्स में. Okay. तो ब्लड ये जो एंड वाले पार्ट होते हैं ना, इसमें उनका ब्लड वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो इनमें भी आरबीसी फॉर्मेशन होने ही वाला है बोन में. इनके पास भी बोन मैरो होता है. तो बोन्स आर हॉलो विद द एयर कैविटीज टू रिड्यूस द वेट. लिखा आपने ये? यस. तो एयर कैविटीज मैंने आपको दिखाया है उनके बोन में. इनके बोन्स हॉलो होते हैं, उन बोन्स में एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट जो होता है वो कम हो जाता है. सर रीजन फॉर हाउ डू दे फ्लाई का है? हाँ रीजन है ना, तेजा बात सर, वजन कमी होता ना भाई, ऐसे बोल. आणि विंग्स असतात त्यांच्याकडे, विंग्स मुळेच ते फ्लाय करू शकतात. बोट शेप्ड बॉडी आहे, बोट शेप्ड बॉडी आहे, फ्लाय क्यों कर सकते? बोट शेप्ड बॉडी है, विंग्स है इनके पास, फेदर है, उसके साथ में हॉलो न्यूमैटिक बोन्स है. Jaws Jaws है इनके पास present. Are modified into beak. Jaws are modified into beak. Next लिखो, crop and gizzard. Crop and gizzard are present in digestive system. Crop and gizzard are present in the digestive system. Jaws are modified into beak. Crop and gizzard are present in the digestive system. Sir, what is meant by gizzard? Yes, I will show you structure of that. देखो इनमें जो beak होती है ना, beak is a modified jaw, right? So jaw is modified into the beak in these animals. Please, आपका लिखे हुआ है तो बताओ मुझे. Done, all students. Yes, sir. Done. Yes, sir. तो अगर इनके पास बिक तो है इनके पास, लेकिन बिक में टिथ नहीं है, जॉ है इनके पास लेकिन जॉ में टिथ नहीं, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना? तो डायरेक्टली फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा. अब इनके फूड को कंज्यूम करने के बाद, इस फूड को क्रश करने के लिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है गिजार्ड इन बर्ड्स. देख गिजार्ड क्या होता है, ये बर्ड है. बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम देखो एक बार, जनरलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाई है यहाँ पे. यहाँ पे बिक होगा, ये होगा उसका ईसोफेगस, फिर ये उसका क्रॉप है. क्रॉप इज एक्टिंग लाइक अ स्टमक. क्रॉप कैसे काम कर रहा है? स्टमक के जैसे काम कर रहा है. तो क्रॉप में फूड आएगा, फिर उसके बाद में ये फूड यहाँ से पास आउट होगा, कहाँ पे आएगा? गिजार्ड. गिजार्ड आर द क्रशिंग स्ट्रक्चर, फूड को क्रश करने वाले स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा. ये फूड को क्रश करने वाले स्ट्रक्चर्स. क्रॉप जो होता है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉप सर्व्स मोर और लेस एज अ डॉगी पैड. यानी जो भी ये फूड खाएंगे ना, उस फूड को यहाँ पर कंज्यूम, यहाँ पे स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर गिजार्ड में फूड को क्रश किया जाएगा. सो गिजार्ड देखो, बर्ड्स स्टमक सेकंड चेम्बर इज नोन एज द गिजार्ड. ये जो गिजार्ड है ना,
इस गिजार्ड के अंदर फूड को क्रश किया जाता है. सो इनसाइड द गिजार्ड द क्रशिंग ऑफ द फूड अकर. देखिए आप ये वाला पार्ट, इस पार्ट को गिजार्ड बोला जाता है. ये क्रश फूड को क्रश करता है. सो इट इज लाइक एन इंटरनल टिथ, जैसे आप बोल सकते हो इंटरनल टिथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं गिजार्ड. फूड इसके अंदर आने के बाद इस फूड को क्रश किया जाता है. राइट, फूड इज क्रश्ड बाय द गिजार्ड. तो देखो ये वहां पे आप देख सकते हो, ये उसका ये ट्रैकिया है उसका, यहाँ पे उसका इसोफेगस होगा. देखो यहाँ से फूड वो अंदर लेगा, फूड अंदर लेने के बाद में इस क्रॉप में आएगा, क्रॉप के बाद में ये फूड यहाँ पर आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला रीजन जो है इसे बोला जाता है गिजार्ड. ओके, और ये गिजार्ड के बाद में फूड जो होगा ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और एंड वाला पार्ट जो होगा उनका वो होता है क्लोएका. ओके, सो देखो, सो दीज एनिमल्स दे हैव द गिजार्ड. गिजार्ड आर फंक्शनिंग एज द इंटरनल टिथ. अब ये गिजार्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर एक बार देखने की कोशिश करेंगे कैसे होता है ये. अभी आपको इतना समझ में आ गया कि गिजार्ड जो होता है फूड को क्रश कर. देखो ये इसोफेगस होगा, वो माउथ से फूड को अंदर लेंगे, इसोफेगस में आएगा. ये वाला रीजन देखो, इसे बोला जाता है प्रो वेंट्रिकुलस. प्रो वेंट्रिकुलस मींस द स्टार्ट ऑफ द गिजार्ड. यहाँ से गिजार्ड स्टार्ट होता है. अब ये गिजार्ड के अंदर जब फूड आएगा ना, तो यहाँ पे लिखो, देखो क्या लिखा है, हॉर्नी लाइनिंग ऑफ द गिजार्ड. यानी गिजार्ड के अंदर वाली जो साइड होती है ना, ये बनी होती है केराटीन से बने हुए टिथ जैसे स्ट्रक्चर से, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर से. तो ये स्पाइन जैसे या फिर टिथ जैसे स्ट्रक्चर में जब ये फूड अंदर आएगा, तो ये इस फूड को अंदर गिजार्ड के मूवमेंट के वजह से, ये देखो ये गिजार्ड जो होता है ना, इसके ये जो मसल्स होते हैं गिजार्ड के, मस्कुलर वॉल ऑफ गिजार्ड, देखो यहाँ पे दिया, ये जो मस्कुलर वॉल है ना गिजार्ड की, ये नीचे ऊपर होगी. यानी ये फूड को क्या करेगी, फूड को मूव करेगी. तो ये अंदर वाले ये जो देखो हॉर्नी लाइनिंग ऑफ द गिजार्ड जो है ना, ये इसकी वजह से फूड को क्रश किया जाए. तो सिंपली आई विल शो यू लाइक दिस. देखो कि अगर ये गिजार्ड होगा तो ये गिजार्ड की ये मसल मस्कुलर लाइनिंग होगी. सो दिस इज अ मस्कुलर लाइन ऑफ द गिजार्ड. ठीक है, ये मसल जो होंगे ये गिजार्ड को नीचे ऊपर यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं इस डायरेक्शन. ठीक है, और इसमें यहाँ पे ऐसे वो स्पाइनी स्ट्रक्चर होंगे, अंदर स्पाइनी स्ट्रक्चर होंगे. इसके साथ में देखो बर्ड स्टोन भी खाते हैं. मालूम है ना आपको, कभी आपने चिकन को देखा होगा, कभी तुम्हें कोंबड़ा वगैरह जैसे, तो वो छोटे छोटे स्टोन को भी खाते हैं बर्ड्स. क्या खाते हैं बर्ड्स, छोटे छोटे पेबल्स को खाते हैं. Have you heard about this? कभी देखा है आपने? अरे बर्ड कभी पन भी खाता ना बगा, कहते छोटे छोटे दगड़ पन खाता बर्ड्स. तो ये जो स्टोन खाते हैं ना, ये स्टोन पेबल्स खाते. Does they have salivary gland? Yes, they have. They have the salivation. Salivation होता है इनमें, लेकिन वो कम होता है. Salivation होता है, लेकिन कम होता है. अब देखो आगे. Okay. तो आपने कभी birds देखे नहीं होंगे, कभी तुम इधर कभी कोबड़ा बघितलेले असतील, तर त्या ज्या असतात त्या पेबल खातात, छोटे 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 जे पेबल असतात ना, व्हाइट व्हाइट कलर वाले स्टोन, ते स्टोन ला खातात ते. अब ये जो होंगे ना, ये जब स्टोन को खाते हैं, तो ये स्टोन इसमें भी आते गिजार्ड. और ये जो स्टोन होते हैं ना व्हाइट कलर वाले, इनमें कैल्शियम भी होता है, तो ये उनके शेल बनाने में भी यूजफुल होता है, शेल बनाने के लिए भी यूजफुल होता है, करके वो स्टोन भी खाते हैं छोटे छोटे. तो अब देखो ये जो गिजार्ड होता है, इस गिजार्ड में क्या क्या है, फूड के साथ में कुछ स्टोन भी आए हैं, फूड के साथ में कुछ स्टोन भी आए हैं, और ये जो है ना उसके हॉर्नी हॉर्न से बने हुए, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिजार्ड. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है गिजार्ड का जो हॉर्न लाइक दिखता है. ठीक है, इसके साथ में स्टोन भी आया, इसके साथ में फूड भी आया. अब ये मस्कुलर वॉल है गिजार्ड, दिस इज अ मस्कुलर वॉल ऑफ द गिजार्ड. तो अब क्या होगा, ये मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो फूड है ना वो फूड ये स्टोन हमारे बॉडी में थोड़ी जाते हैं,
हम स्टोन तो नहीं खाते उनके बॉडी में, ये छोटे छोटे जो पेबल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनमें ये भी इसमें क्रश हो जाते हैं फूड के साथ। तो ये स्टोन जो इसके बॉडी में क्रॉप में जाएंगे ना यहाँ पर, ये स्टोन का भी क्रशिंग हो जाता है जनरली, ठीक है। तो ये स्टोन, ये हॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर है अंदर वाले, ये स्ट्रक्चर और फूड, ये तीनों जो होता है ये एक दूसरे को क्रश कर, ठीक है। तो ये स्टोन के साथ में फूड का भी क्रशिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये है उनके बॉडी के अंदर वाला पार्ट जिसे बोला जाता है गिजार्ड, मस्कुलर गिजार्ड इसमें से, ठीक है। तो क्रॉप जो होता है फूड को टेम्पररीली स्टोरेज करता है, गिजार्ड में फूड का और क्रशिंग होता है। सो वो क्रॉप एंड गिजार्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। गिजार्ड के आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, उसमें फूड का एब्सॉर्प्शन होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर वाटर और अनदर सब्सटेंसेस जो होंगे उनका एब्सॉर्प्शन होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होगा एनस, जिससे अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है उसे बाहर रिलीज किया जाता है। एनस जहां पे ओपन होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लोएका। सो हैव यू गॉट दिस, व्हाट इज द क्रॉप एंड गिजार्ड? यस सर, यस, क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो डन, यहां तक लिखा है सबने? यस सर, यस सर, यस, यस। आप देखो नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा है, ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, आरबीसीज आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज कैसे होते हैं? बाइकॉन्वेक्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो ये कैसे दिखते हैं, ऐसे ही आरबीसी आपको एम्फीबियन में भी दिखते हैं ना, आरबीसी आउटवर्ड्स बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। देखो ये होता है बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, देखो एम्फीबियन में भी ऐसे दिखते हैं बाय कॉन्वेक्स, ये भी देखो इनमें भी बाय कॉन्वेक्स है एम्फीबियंस में, और बर्ड्स में भी बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। So this is the biconvex and nucleated RBCs. Heart is perfectly four-chambered. Next slide. Heart is perfectly four-chambered. Heart is perfectly four chambered with two auricles and two ventricles. So heart is perfectly four chambered ये दोनों क्या होंगे? ओराइकल्स, ओराइकल्स आर ब्लड रिसीविंग चेंबर्स।
और ये दोनों क्या होंगे? वेंट्रिकल्स. ये क्या होते हैं? ब्लड पंपिंग चेंबर्स. ऐसा लिखो. इनके पास दो ओरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं. ये दोनों अपर वाले चेंबर, ये दोनों नीचे वाले चेंबर. हार्ट इज परफेक्टली फंक्शनिंग विथ टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. ठीक है. हार्ट इज परफेक्टली फोर चेंबर्ड विद द टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. हाँ, ओरिकल ये होते ब्लड को रिसीव करते, तो दो ब्लड रिसीविंग चेंबर है और दो ब्लड पंपिंग चेंबर है. अब तक हमने क्या लिखा? इसमें ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आरबीसीज. आरबीसीज कैसे होते हैं? बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. निकालना तो ऐसे निकालो, बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर प्रेजेंट. ऐसे राउंडेड आरबीसी दिखाई देते. हार्ट इज परफेक्टली फोर चेंबर्ड विथ टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. रिमेनिंग वी विल स्टडी टुमारोज लेक्चर. कल ये लेसन में भी खत्म हो जाएगा आपका. ठीक, टुमारो दिस लेसन विल बी ओवर. चलो, एनी डाउट्स? इफ देर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क. सर बोल. सर एम्फीबियंस मध्ये पण रेड ब्लड असतो ना? असतो ना. एम्फीबियन कॉर्डेट मध्ये रेड ब्लड असतो जनरली. एम्फीबियन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मॅमल्स सगळ्यांकडे रेड ब्लड असतं, आरबीसी असतं. एम्फीबियनच्या पण आरबीसी कशा असतात? बाय कॉन्वेक्स अँड न्यूक्लिएटेड. आता बघितलं तू या अशा, हे बघ फ्रॉग एम्फीबियन आहे ना, ह्याची आरबीसी बघ. ही बघ, ही बर्डची आरबीसी. बाय कॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड अशी ग्राउंडेड दिसते बघ. हे टर्टल आहे, ह्याची आरबीसी पण न्यूक्लिएटेड बघ. आणि हा फिश आहे, फिशची आरबीसी पण बघ न्यूक्लिएटेड. दिसले का? येस सर. येस. चलो, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, कैन वी लीव? येस सर. येस. चलो, बाय. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय ऑल. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू. बाय. Bye Sakshi, bye all. Devang and Yash, abhyas kara. Karta ka abhyas? Oh, sir. Okay.